बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दाती क्या होता है? दाती एक इंसानी औरत जो कुछ दहाई पहले अपनी माँ की गोद में खेल रही होती है और उसकी माँ उसको शहलाती कहकर पुकारती है, उसकी एक एक सांस पर अल्लाह का शुक्र अदा करती है और यूं उसका बाप उसको अपनी परी की तरह प्यार से खिलाता और पालता है। वक्त गुजरने के साथ साथ वो बच्ची बढ़कर जवानी की उम्र को पहुंच जाती है और नाजो हुसन और नखरों जैसी नस्वानी आदात लिए शादी का सफर शुरू कर देती है और बच्चों को पा लेती है। यहाँ तक कि उसकी ख्वाहिश होती है कि उसका फला बेटा जल्दी जल्दी बड़ा होकर पायलट बने, उसका फला बेटा जल्दी जल्दी बड़ा होकर तंदरुस्ती और अमीरों की सी जिंदगी गुजारे। उस वक्त उसका बेटा ही उसके लिए सब कुछ होता है और रात को सोते भी अपने बच्चों को सुला कर और फिर उठती भी उसको उठाने के लिए। कई रातें तो ऐसे भी गुजर जाती है कि वो सो नहीं पाती, यहाँ तक कि उसकी छोटी छोटी कामयाबी कदम पर कदम रखने पर उसकी पाम चूमती है। वक्त के साथ साथ उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा जल्दी से जल्दी बड़ा होकर कमाई करे, तब मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। यहाँ तक कि बेटा नौकरी लेता है तो माँ पूरे महीने गांव में गली गली जश्न मनाते बैठती है कि आज वो कामयाब हो गई है, फिर उसकी शादी कर देती। अब उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं इनकी औलाद को देख सकूं और बच्चे के पैदा होने पर सबसे ज्यादा खुशी भी दादी को होती है। अगर उसके पास में हो तो वो उसके बच्चों को भी सारी रात को नहीं सुनाए। वो अलग बात होती है कि मुख्तलिफ खेलों मिसाल के बिना पर कुछ माँ और दादी के आपस में रंजिश बन जाती है और कुछ के आपस में गठजोड़ बन जाता है। ताहम हर घर में कुछ न कुछ चल रहा होता है। दादी दूर हो या नजदीक अपने बेटे की फिक्र में लगी रहती है। उसकी औलाद भी जल्द से जल्द बड़ी हो जाए और कोई मुलाजमत या पेशा अख्तियार कर ले, पैसे कमाए ताकि मेरे इस बेटे को राहत नसीब हो और वो सुकून करे। और बीच बीच में बीमारी में भी रह रही होती है, ताहम वो काफी हद तक अपनी इस बीमारी को बर्दाश्त में रखती है कि कहीं मेरा बेटा परेशान ना हो जाए। एक दिन वो आता है कि दादी ज्यादा बीमार हो जाती है और वो वजह उसकी मौत की बन रही होती है, जिसका उसको पता चल चुका होता है कि मैं अब रहने वाली नहीं। अब वो दादी अपने बेटों को, अपने बच्चों को, नवासों को और पोतों को बुला लेती है और एक बार देखने की ख्वाहिश करती है कि सब मेरे पास आए, क्योंकि आखिरी लम्हा चल रही होती है, अपने बेटे को तसल्लियाँ दे रही होती है और बार बार जिंदगी के सारे लम्हात की याद आने कर रही होती है, करा रही होती है। और यूं वो दारे खाने से कूच कर चुकी होती है और हमारे यहाँ महल्ले में ऐलान होता है कि फला की दादी पाकजा इलाही से वफात पा चुकी है, फला की नानी पाकजा इलाही से वफात पा चुकी। हम सुनने वाले, हम अपने दोस्तों के या सुनते हैं कि किसी की दादी फौत हो गई तो हम हंस के कह देते हैं कि इतनी देर बाद, या उसको अब टाइम मिला था मरने का, या फला चीज़ ये हो गया, फला दादी ने उसकी शादी खराब कर दी मर गई, फला दादी ने मरना था तो कुछ दिन पहले मर जाती। और यहाँ तक कि अक्सर नवासे और पोते भी कहते हैं कि हाँ भाई बहुत ढीठ थी, अभी मरने का नाम नहीं ले रही थी मगर चली गई। अपनी दादी को ज़्यादा से ज़्यादा समझो, क्योंकि कल को आपने दादी ही बन जाना है, दादा बन जाना है, नानी भी बन जाना है, नाना भी बन सकते। उनको अपने करीब रखो, बड़ों से जितने भी इख्तलाफात हों महसूस मत करवाओ कि आप ज़्यादा समझदार, बल्कि उनकी बात को अजीज समझो, वही बुजुर्ग भी होते हैं और आपके पैदा होने से पहले आपका फैसला कर चुके होते हैं, सो आए कुछ फैसलों के जो आपके रब ने बदलने होंगे।